महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtatel.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से अवगत कराते हैं। क्यों अवगत कराते हैं? कि आपका जो टेम्परेरी सुख है वह धीरे 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 परमानेंट सुख के अंदर परिवर्तित हो जावे, ब्लिस में परिवर्तित हो जावे। कुछ जन्मों के बाद में आपको ब्लिस प्राप्त हो जावे, यानी आपको स्वरूप की अनुभूति हो जावे और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाओ। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि रियल एवं रिलेटिव पुरुषार्थ। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो रियल और एक तो रिलेटिव। रियल का मतलब होता है निरपेक्ष, रिलेटिव का अर्थ होता है सापेक्ष, और पुरुषार्थ का अर्थ होता है कार्य करना, टू डू सम एग्जर्शन, टू डू सम एक्टिविटीज, और कुछ कार्य को करना। कार्य होता है मन वचन और काया, ये तीन हमारे योग कहलाते हैं। तीनों की प्रवृत्ति से कार्य होता है। तो मन वचन काया के द्वारा जो भी प्रवृत्ति की जाती है वह सारा पुरुषार्थ में आता है। लेकिन मन वचन काया जो है, यह सारा जो है वह अवस्था मात्र है, ये परमानेंट नहीं है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था संजोग है। हर अवस्था वह जो है वह वो अवस्था मात्र ही है, उसको हम परमानेंट नहीं कह सकते हैं। तो ये सारा, इससे जुड़ी हुई हर अच्छी प्रवृत्ति है, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। और रियल पुरुषार्थ इससे परे है। रियल पुरुषार्थ जो है वह चेतन अवस्था से जुड़ा हुआ है, चेतना की भाव सत्ता से जुड़ा हुआ रियल पुरुषार्थ है। हमारा जो ये शरीर है ये मिश्र चेतन है, इसके अंदर आत्मा भी है और ये जड़ तत्व जो हमारा कार्मण शरीर, हमारी कॉजल बॉडी और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जिससे हमको ये स्थूल शरीर मिला है। तो मेन गंगोत्री है वो हमारी कॉजल बॉडी है, वो हमारा राग द्वेष है, वही जन्म जन्मांतर के अंदर हमको भटकाता है और वही ये शरीर देता है। तो इसीलिए मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह जड़ है और वह विनाशी है, वह टेम्परेरी है। तो इसीलिए रिलेटिव पुरुषार्थ टेम्परेरी है, रियल पुरुषार्थ परमानेंट है। परमानेंट का मतलब फॉर एवर। जैसा कि मैंने बताया, शरीर के अंदर आत्मा भी है और ये शरीर भी है, तो शरीर तो नाशवान है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि पिछले जन्म के अंदर मान लीजिए कि मैं मोहन राज नाम का व्यक्ति था, तो मोहन राज ने पिछले जन्म में जितना आयुष्य कर्म था उसके अंदर जितने जितने कॉजेज डाले, उस कॉजेज से कॉजल बॉडी खड़ी हो गई और वह कॉजल बॉडी के अनुरूप जो है जब आयुष्य समाप्त हुआ तो सारे जो भाव कर्म थे कॉजल बॉडी के वो इस जन्म के अंदर जो है वो द्रव्य कर्म के अंदर रूप में मिल गए और एक नया पुतला तैयार हो गया जिसका नाम सोहन राज है आपके सामने। यानी जो पिछला आपने चार्जिंग किया था, मन वचन काया की बैटरियों को चार्ज किया था, वो मन वचन बाया की बैटरियाँ जो है अब यहाँ पर डिस्चार्ज हो रही है। अब ये पुनः
सोहन राज का जो पुतला है, जो कि राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर कॉजल बॉडी विद्यमान है, तो उन कॉजल बॉडी के अनुसार जैसे जैसे अब उसका उसको उसको अपना जो है रियल रिलेटिव का उसको ध्यान रखना है, तो वो जैसे कॉजेस डालेगा तो नए कॉज डाल करके और नई कॉजल बॉडी खड़ी करेगा, चार्ज करेगा, और पूर्व जन्म का है वो डिस्चार्ज चलता रहेगा और चार्ज करके फिर आने वाले समय के अंदर जो है यशवंत राज नाम का पुतला खड़ा हो जाता है। अब देखिए मोहन राज, सोहन राज, यशवंत राज, तीन पुतले खड़े हो गए भूत के, वर्तमान के और भविष्य के अंदर। तीनों ही पुतलों में स्थायी तत्व क्या है आप स्वयं निर्णय कीजिए। स्थायी तत्व आत्मा है, स्थायी तत्व अनादि अनंत काल से आत्मा अपने मूल स्वरूप में ही है, वो मुक्ति की अवस्था के अंदर ही है। वह तो ज्ञाता है, दृष्टा है, वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, वह 24 कैरेट का सोना है और वह मुक्त अवस्था में ही है। लेकिन उसको बांधा किसने है? उसको बांधा है कॉजल बॉडी ने, बांधा है राग द्वेष ने, बांधा है क्रोध मान माया लोभ ने, और बांधा है कषाय ने, बांधा है मोह ने, उसी के वशीभूत यह बंधा हुआ है। तो अब रिलेटिव और रियल पुरुषार्थ की बात बड़ी सीधी सीधी कॉमन बात आपके समझ में आ गई होगी कि मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति आप करो वो सारा आपका रिलेटिव पुरुषार्थ है। और वह दो तरह का होता है, एक तो शुभ भाव और एक अशुभ भाव। शुभ भाव के अंदर व्यक्ति जो है सामायिक करता है, संवर करता है, साधु बनता है, त्याग करता है, पचकान करता है, और जो 12 तरह की निर्जरा है, अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग काय कलेश प्रतिसल्लीनता स्वाध्याय धारणा प्रतिसल्लीनता, और भीतर के अगर वो निर्जरा देखें तो प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय और ध्यान, ये सारी जो मन वचन काया से जितनी भी प्रवृत्ति है सारी वो की जाती है। ये सारा टोटल हमारा रिलेटिव पुरुषार्थी अच्छा है। आप मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, क्रियाकांड करते हो, हर एक व्यक्ति करता है, अपना अपना भगवान होता है, अपना अपना इष्ट होता है। ये सारा जितनी भी धार्मिक क्रिया है, जितना भी शुभ भाव है, ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, ये भी अच्छा है और सामान्य व्यक्ति करता ही है। और अशुभ भाव की तो हम बात आपसे करते ही नहीं हैं, लेकिन लोग जो पीछे से अशुभ भाव लेके आए हैं, ये अशुभ पुरुषार्थ करते हैं, अशुभ कार्य भी करते हैं। उस शुभ कार्य के अंदर हिंसा है और उसके बाद में चोरी है, जारी है, वो सप्त व्यसन है, और उसके बाद के अंदर अपराध करना, आतंकवाद करना, रेप करना और किसी को गाली गलौज करना, ये सारे भी 18 तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, प्राणातिपा, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, ये सारे जो है अशुभ भाव है। अशुभ भाव व्यक्ति पीछे से लेकर के आया वो करता है, और इस जन्म के अंदर भी अशुभ भाव कर सकता है। लेकिन हम आपको अशुभ भाव करने की प्रेरणा नहीं देते हैं, ये तो हो रहा है, जो हो रहा है आप भोग रहे हो उसकी हम प्रेरणा नहीं देते हैं। हमारा जो जो सनातन सत्य है वो अल्टीमेट ट्रुथ बताता है, वो हम आपको जो है दृष्टि विज्ञान देता है, वो रियल पुरुषार्थ की बात करता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है ये करते हो रिलेटिव पुरुषार्थ, हम उसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन रिलेटिव और रियल पुरुषार्थ के अंदर प्राप्ति क्या होती है? जितना जितना हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, हमारे क्रियाकांड है, धार्मिक प्रवृत्तियाँ हैं, तो उन धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ साथ के अंदर हमारे बाई प्रोडक्ट के रूप में पुण्य बनेगा। तो ये पुण्य है ये सोने की बेड़ी है, और पाप है वो लोहे की बेड़ी है, तो पुण्य पाप दोनों को काट करके मुक्ति को जा सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2 तरह के कैदी होते हैं। एक तो VIP होता है, उसको सोने की बेड़ी,
जो लगा दी जाती है और उसको आइसोलेशन में अच्छे मकान में नज़रबंद किया जाता है, और एक बेचारा मेरे जैसा साधारण अगर कोई कैदी हो जाता है तो उसको लोहे की बेड़ी लगाई जाती है और उसको कटघरे के अंदर डाल दिया जाता है। पर दोनों ही केस के अंदर तो वो कैदी है, वो कैदी की परिभाषा में आएंगे, इसलिए चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, इन दोनों को काटना होता है। और देखिए कि जो हमारा पुण्य है वो पुण्य लाभकारी है, उस पुण्य के माध्यम से स्वास्थ्य मिलता है और अच्छी सोच मिलती है, अच्छा परिवार मिलता है और सब चीज़ अच्छी मिलती है पुण्योदय के। और अगर पापोदय हो जाता है तो पापोदय को काटने के लिए पुण्य का सहारा लेना पड़ता है। कैसे सहारा लेना पड़ता है, मैं एक आगमों के उदाहरण से आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एकदम वाइट कपड़ा है, उस वाइट कपड़े पे काला दाग लग गया, तो उस काले दाग की सफाई के लिए आप डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करते हैं और इसको जब खूब जो है धो दिया जाता है तो धोने के बाद के अंदर वह दाग हट जाता है। अब आगमकार यहाँ कहते हैं कि क्या उस कपड़े को आप साबुन सहित ही सुखा देते हो, तो आप कहोगे नहीं, वो साबुन सहित कपड़े को हम दो चार बार रिंसिंग करेंगे, साफ पानी के अंदर इस साबुन को अलग करेंगे। तो ये साबुन को जो अलग करने का अर्थ ये हुआ कि आपने पुण्य को भी अलग किया, पहले दाग रूपी पाप को हटाने के लिए इसका सहारा लिया, और पाप को हटाने के लिए पुण्य बिना पाप नहीं कटता है, और जब हटा दिया तो दूसरा नंबर आता है कि पाप को धो, पुण्य को जो है वो हटाने का, तो पुण्य और पाप दोनों को हटाने के बाद ही हमारी कॉजल बॉडी, हमारा राग द्वेष, हमारा ज्ञान, हमारा कषाय है वो ज़ीरो होता है। तो वो हमारा जो है वह सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, अब टेम्परेरी है। और हम परमानेंट की बात करें तो परमानेंट पुरुषार्थ होता है, परमानेंट चीज चेतना है, तो उस चेतना के साथ में जुड़ जाते हैं हम तो वो रियल पुरुषार्थ होता है। और मन वचन काया टेम्परेरी है, इस जन्म के साथ चले जाने वाली है, आप कैसे भी जुड़ सकते हो, निर्णय आपका है। तो इसकी शुभ प्रवृत्ति से जुड़ गए तो आप रिलेटिव पुरुषार्थ के अंदर आ जाओगे, और रिलेटिव पुरुषार्थ भी पीछे से हम लेकर के आते हैं। रिलेटिव पुरुषार्थ तो ऑटो मोड से होता है और वह कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के अधीन कार्य करता, परवस्ता होती है, प्रतंत्रता होती है। हम तो आपको स्वतंत्रता की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। एक पक्षी है वो जो है वो आकाश के अंदर फ्रीली उड़ना चाहता है, उसको जब पिंजरे में कैद किया कर दिया जाता है वो छटपटाता है क्योंकि उसको स्वतंत्रता चाहिए। उसी तरीके से आदमी को जब कैद में डाला जाता है तो वह छटपटाता है क्योंकि उसको जो घूमने फिरने की समाज के अंदर सब कार्य जो है आनंदपूर्ण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपना पारिवारिक जीवन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। परंतु जो है ये प्रतंत्रता हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा रियल पुरुषार्थ है उस पर जड़ के कानून लागू नहीं होते हैं और उसके नियम अलग है और वह स्वतंत्र है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको स्वतंत्र चिंतन करना है या प्रतंत्र जो पीछे से लेके आए हो उसके साथ जुड़ना है। यानी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए हमारा पुण्योदय है और हमारे धन ऐश्वर्य कुबेर रिलायंस की तरह आप कुबेरपति बन जाते हो, तो फिर जो है आपके मन में भावना आती है कि लोग मुझे अच्छा कहे कि मैं कुबेरपति हूँ, और उस कुबेरपति बने रहने से लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शन के रूप में आप डोनेशन देते हो, अस्पताल बनाते हो, या जो है वृद्धाश्रम बनाते हो, या स्कूल कॉलेज कुछ भी बनाते हो, तो उसके पीछे अगर आपकी ये भावना ये है कि लोग मुझे अच्छा कहे, आपको लोलुपता की भावना होती है सारी, तो ये जो है ये देखिए वो आने के बाद में आप कर्ता बन गए। और देखिए
कि ये जो जो रिलेटिव पुरुषार्थ आया इसने आपको कर्ता बना दिया, और कर्ता डूअरशिप ऑनरशिप यही दुख का कारण है। जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता, अव्वल तो ये हमारी प्रकृति कहती है कि मैंने किसी को कर्ता बनने की पावर नहीं दी है और कोई कर्ता बन ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आप मिथ्या दृष्टि से अपने आप को कर्ता मानते हो तो ये आपकी अज्ञानता है, ये आपका मिथ्या दर्शन है, ये आपका रॉन्ग बिलीफ है। आप तो निमित्त हो और दूसरे को भी एक निमित्त रूप में समझो, क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमशियल एविडेंसेज है, वही कर्ता है। तो हम जो है कर्ता बन जाते हैं और जो पुनः हम कॉजल बॉडी को बढ़ाने का काम कर लेते हैं, कर्म बंधन का काम करते हैं, चार्ज का काम करते हैं। तो मेरे कुल कहने का अर्थ ये है कि आप स्वतंत्रता की तरफ जाओ। आप प्रतंत्रता की तरफ क्यों जाते हो? अगर आप अपना दृष्टि विज्ञान आपका डायरेक्शन चेंज कर देते हो कि नहीं, ये जो चल रहा है इसको चलने दो, इसके साथ मैं नहीं जुड़ूंगा, इसके अंदर साइलेंट रहो आप, और इसके साथ में कोई विचार विमर्श जुड़ना करना, इसकी उपेक्षा करो। जो प्रारब्ध और उदय है उसकी उपेक्षा करो, और उपेक्षा न करते हो तो ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ हो जाता है। आप मानते हो कि नहीं ये मैं करने वाला हूँ तो वो आपका रिलेटिव पुरुषार्थ है, आप कर्ता बन गए उसके अंदर। और अब आपने जो है वो रियल पुरुषार्थ चालू किया, तो रियल पुरुषार्थ के अंदर पुण्य का बंध नहीं होता। रिलेटिव पुरुषार्थ जो कि मन वचन काया की क्रिया से जुड़ा हुआ, शुभ प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पुण्य का बंध होता है, और उस पुण्य के बंध को भोगने के लिए हमें मनुष्य जीवन के अंदर या हमें देवगति में जाना होता है। देवगति की मिनिमम उम्र 10,000 साल होती है, अधिक 33 आग्रोपम है, यानी उन सब को भोगने के लिए आपको पता नहीं जो आज मनुष्य का जन्म है कितने कितने सैकड़ों सैकड़ों हजारों जन्म तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आप कहते हो नहीं मेरे तो धीरे धीरे जाना है, इंतज़ार करना है, तो आप रिलेटिव पुरुषार्थ करो, जो निर्णय आपका है, और उससे आप बंधे हुए हो, और आप देते हो मुझे तो रियल पुरुषार्थ करना, उसमें स्वतंत्र हो। रियल पुरुषार्थ करने के लिए बहुत सीधी सादी प्रक्रिया है कि प्रतीति जागृति और अनुभव को बढ़ाओ। हमको हमारा रियल पुरुषार्थ चालू कब होता है? जब हम पुरुष बन जाते हैं, और ये भी पुण्योदय से होता है, और पुण्योदय से हमारे भाग्य से जो है हमको सद्गुरु मिल जाता है, या हमको जो है ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, वो हमारे अनंतानुबंधी रूपी जो दर्शन मोहनीय हैं, वो जो जहर की थैली है, जो कर्म बंधन होने का सबसे बड़ा कारण है, उस कारण को हटा देते हैं, उस कारण की शल्य चिकित्सा कर देते हैं, उस कारण को फेंक करके हमको राइट बिलीफ दे देते हैं, सम्यक दर्शन दे देते हैं। तो सम्यक दर्शन देने के कारण जो है हमारा रियल पुरुषार्थ चालू हो जाता है। रियल पुरुषार्थ जो है वो तीन तरह की आत्मा होती है, जीवात्मा होती है वो स्वार्थ की चेतना होती है, और अंतरात्मा परार्थ की चेतना होती है, और तीसरा परमात्मा होता है, वह हमारी जो है वह परमात्मा बनने की जो है वो अवस्था होती है, वो तो परम अर्थ से जुड़ी होती है, परमार्थ से जुड़ी हुई होती है, परमार्थ की चेतना होती है। तो भाई और बहनों, हमें अंतर जो हमें जो है वो अंतर आत्मा बनने के बाद ही हमारा रियल पुरुषार्थ चालू होता है, क्योंकि उसके बाद हमको ये प्रतीति बिठा दी जाती है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम तो जानने वाले हो, तुम तो देखने वाले हो, और अनंत और आत्मा के असंख्य असंख्य गुणों की जो है हम भजना करने लग जाते हैं, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो रियल पुरुषार्थ के अंदर पुण्य का बंध नहीं होता। मात्र डिस्चार्ज, जो पिछले जन्म जन्मांतर से जो हमारा डिस्चार्ज है वो रहता है, और चार्ज भी मान लो होता है। हम ये नहीं कहते
के चार्ज बिल्कुल नहीं होता, और होता भी मान लेवे तो हमारा दर्शन मोहनीय है वो चार तरह का होता है। पहले अनंतानुबंधी जो है दर्शन मोहनीय वो समाप्त हो जाता है वो ज्ञान लेने के बाद में, सदगुरु लीनों के बाद के अंदर, तो उसके अंदर जो है वह हमारे कर्म बंधन करने की प्रक्रिया, कर्म बंधन का कारण ही समाप्त हो जाता है। पीछे जो बचता है वो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन, जो हमारा अनंतानुबंधी है वह पत्थर पर लकीर बनाने के छेनी हथौड़े से बनती है, कठोर कार्य है। और दूसरा हमारा अप्रत्याख्यानी होता है वो नरम लकड़ी के ऊपर रेखा खींचनी खींचते तो बड़े आराम से किसी भी शस्त्र से खींची जा सकती है। और उसके बाद जो हमारा प्रत्याख्यानी होता है वह जो है बालू रेत पर जो है रेखा खींचने के समान, वो तो हवा का झोंका आया और उमड़ जाती है। और संजलन होता है वह पानी पर रेखा खींचने के समान, यानी ये सब नहीं के बराबर है, ये एक डिस्चार्ज टाइप ही होते हैं। तो ये भी उस डिस्चार्ज जो पूर्व जन्म से है उसके साथ में पिघलता रहता है, नया चार्ज नहीं हो रहा है, नया बंधन रुक गया। तो ये नया बंधन रुक जाने के कारण जो है हम धीरे धीरे शुद्ध होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में आपको कहना चाहते हैं कि तीन कैटेगरी हो गई, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव तो जो है वो नरक में जाने का कारण है, अशुभ भाव है तिर्यंज गति नरक गति में जाने का कारण है, और शुभ भाव है वो मनुष्य गति और देव गति में जाने का जो कारण बन जाता है। और शुद्ध भाव होता है वह सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने का स्थान बना लेता है। अगर आपकी प्रीति 100% बनती रहे 24 आवर्स कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, और प्राणी मात्र में आप शुद्ध आत्मा का अनुभव करने लग जाते हैं, तो आपकी वह शुद्ध प्रवृत्ति हो जाती है। और शुद्ध प्रवृत्ति के साथ में पुण्य का बंध न होने के कारण आप अगर अच्छी भावना बाते हो तो अगला जन्म आपको सिमंदर स्वामी के चरणों में हो सकता है। आपको जो शासन देवी देवता हैं उनका सहयोग मांगो, वो प्रतिदिन सिमंदर स्वामी के दर्शन करने जाते हैं, दादा भगवान भी सिमंदर स्वामी के रोज दर्शन करने जाते हैं, तो उनका सहारा लो, उनका आसरा लो, और उनका आसरा लेने के बाद में आपके पास में दृष्टि विज्ञान है, आपके पास में रियल पुरुषार्थ है, तो वह रियल पुरुषार्थ जो है आयुष जो उसका जो है पुण्य का बंध नहीं है, और आपका आपका तार जोड़ देगा सिमंदर स्वामी से मुक्ति से, और धीरे धीरे वहाँ आप जन्म लेकर के और जो आपका डिस्चार्ज बाकी है कुछ ही जन्म में जन्म जन्मांतर के डिस्चार्ज को समाप्त करके, क्योंकि नया चार्ज नहीं है, और डिस्चार्ज को समाप्त करके आप जल्दी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। तो भाई और बहनों, हमने आज सारी चर्चा की रिलेटिव पुरुषार्थ और रियल पुरुषार्थ, जो शुभ भावों से जुड़ा हुआ है, मन वचन काया की धार्मिक क्रिया से जुड़ा हुआ है, वो सारा शुभ भाव है, उसके अंदर सारी चीज़ आ गई, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आप सन्यासी बनते हैं, चाहे आप सामायिक करते हैं, या निर्जरा के 12 भेद करते हैं, संवर करते हैं, सारी चीज़ जो करते हैं सारी मन वचन काया से जुड़ी हुई जो प्रवृत्ति है वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और रिलेटिव पुरुषार्थ होने के कारण उसके अंदर जो है हमारा बंध होता है पुण्य का, और रियल पुरुषार्थ के अंदर पुण्य का बंध नहीं होता है। तो भाई और बहनों, आइए हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें, और समझ करके और अपने जीवन को जो है रियल पुरुषार्थ के अंदर बदलें। और रियल पुरुषार्थ है ये मुक्ति की ओर प्रयाण होता है, ये बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है, इसके अंदर हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को भक्ति मार्गी की तरह उसमें समर्पित होना होता है, उसके गुणों की भजना करनी होती है, हर वक्त उसका चिंतन होना चाहिए। हमारे को जब ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु हमको ज्ञान देते हैं तो 3 पैकेट्स हमको जो है वो गिफ्ट के रूप में देते हैं। पहला तो प्रतीति तो होता है 24 आवर्स, वो हमको प्रतीति जमा देता है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो,
और उसके बाद के अंदर दूसरा पैकेट जो हमको देता है वह होता है वो हमारी जागृति का। ये जागृति है, ये रियल पुरुषार्थ है। भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम में दृष्टि विज्ञान है, ये रियल पुरुषार्थ है। इससे आपको अल्टीमेट ट्रुथ बने मिलेगा कि आपका वास्तविक जो है परमानेंट क्या अस्तित्व है, उस परमानेंसी को प्राप्त करके आप जो है अपने जीवन को शाश्वत सुख की ओर स्नेह ले जा सकते हो और मानव जीवन को धन्य कर सकते हो। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtatel.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।